हेलो दोस्तों, आज मैं बादल आपके लिए नया संदेशा लेकर आया हूँ, खौफनाक खतरनाक संदेशा लेकर आया हूँ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि काशी विश्वविद्यालय ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म लॉन्च कर दिए हैं, तो आपको जल्द से जल्द एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि इसका फॉर्म कैसे फिल करना है, कहाँ पर फिल करना है, कौन सा लिंक है, NTA से कैसे फिल करना है, कि कब टेस्ट होगा, सारी जानकारी। तो चलिए देख लेते हैं। ये जो है इसका वेबसाइट है BHUonline.in, ये इसका वेबसाइट है। तो आपको अप्लाई करने के लिए जो है आपको अप्लाई करने के लिए जाना है BHUET.NTA.NIC.IN। तो इसका मैं डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको जो है अप्लाई कैसे करना है, ये जो है NTA का पोर्टल है, काशी विश्वविद्यालय BHU प्रवेश परीक्षा 2021 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं, जस्ट एक PG प्रोग्राम के लिए दिया है और एक UG प्रोग्राम के लिए दिया है। तो जस्ट लाइक UG प्रोग्राम के लिए UET है, PG प्रोग्राम के लिए PET है। तो हम चलो फॉर्म फिल कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फॉर BHU UET हमें जो है UG प्रोग्राम के लिए फिल करना है। तो जो इसका जो पोर्टल है वो जस्ट लाइक JEE मेन का जैसे फॉर्म फिल होता है NTA का, वही सेम पोर्टल है। तो आपको सबसे पहले जो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो मैं जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये जस्ट लाइक इंस्ट्रक्शन आएंगे फिर से, तो आपको इनको पढ़ लेना है। तो इसमें जो है फीस दी गई है, ज़रा फीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जनरल EWS OBC कैटेगरी के लिए 700 रुपये हैं, और जो भी ये शास्त्री होनर्स के लिए 400 रुपये, ठीक है 400, और जो है सामान्य EWS के लिए OBC NCL के भी 600 रुपये, और SC ST PW के लिए 300 रुपये, ओके। और जो भी ये SC ST कैटेगरी होती है उसके अंदर जो भी ये शास्त्री होनर्स कैंडिडेट होते हैं उसके अंदर SC ST में 200 है, और जो जनरल OBC कैटेगरी के होते हैं उनके 400 है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और इसका सिंपल पेमेंट ऑप्शन का दिया गया, भाई आप किसी भी ऑप्शन से पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो है क्लिक मार करके क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो ये फॉर्म फिल करने को बोल रहा है, तो मैं जस्ट लाइक वीडियो को पॉज करके फॉर्म फिल कर देता हूँ, फिर देन आपको बता देता हूँ कैसे इसमें क्या करना है। यस गाइस, तो मैंने ये फॉर्म फिल कर लिया है। जस्ट लाइक मेरा नाम सिंपल फॉर्म है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एंड देन बाद में आपको कोई भी ID चूज करनी है। जस्ट लाइक इसमें आधार कार्ड का तो ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पे एनी अदर ID सेलेक्ट करके सिंपली आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास पैन कार्ड या फिर आप 12 का जो है एडमिट कार्ड भी लगा सकते हो, उस पर एग्जाम वगैरह तो नहीं हुई। तो अगर आपके पास एडमिट कार्ड वगैरह नहीं है तो आप जस्ट वोटर ID आपकी हो नहीं सकती, क्योंकि हो सकता है आपकी 18 नहीं हो भी। तो आप यहाँ पे एनी अदर वैलिड ID करके यहाँ पे आधार कार्ड के नंबर डाल सकते हो, ओके। तो आपको अपना फिर एड्रेस डालना है, तो जस्ट लाइक लोकेलिटी लगा देता हूँ। एड्रेस डालने के बाद आपको अपना जो है डिस्ट्रिक्ट या फिर जो है दूरी, आपके जो भी नियरेस्ट सिटी वगैरह डाल देना है, और देन आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है, तो कॉल नहीं करना आपको। और फिर आपको पासवर्ड चूज करना है, पासवर्ड आपको ऐसा चूज करना है जैसे मैंने अपना पासवर्ड चूज किया है, कैपिटल R। जैसे मुझे राजस्थान @1 करना है तो मैं फर्स्ट अक्षर राजस्थान का R लिखूंगा, पहला अक्षर बड़ा लिखूंगा कैपिटल, देन बाद में R कैपिटल, जो भी अक्षर बच गए वो फिर स्मॉल, देन बाद में @ या फिर कोई भी सिंबल स्पेशल करेक्टर, देन बाद में कुछ भी डिजिट, इससे आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना है। फिर आपको जो है ये कैप्चा फिल करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये जस्ट लाइक कुछ इधर आया है इसमें, तो ये पूछ रहा है आपसे इसकी दूरी कितनी है, तो मैं लगा देता हूँ BHU से मेरी 10,000 किलोमीटर है। तो BHU मेरे पास अभी ये पासवर्ड फिर से मांगने लगा। तो जैसे मैंने ये सबमिट पे क्लिक किया तो मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है, सिक्योरिटी पिन डिड नॉट मैच,
तो ये फिर से पासवर्ड मांगने लग गया, तो मैं फिर से पासवर्ड देता हूँ। तो यहाँ पे जस्ट लाइक दिया है 63T982। हद हो गई है, इतना ही लगाया मैंने। तो गाइस जस्ट लाइक सिक्योरिटी पिन लगाने के बाद ये ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करना है, फिर पूरे फॉर्म को रिव्यू कर लेना है, कोई स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक तो नहीं हो गई है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह। रिव्यू करने के बाद आपको यहाँ पर टिक आउट कर लेना है कि मैंने ये सब कुछ चेक कर लिया है और ये सब ठीक है, ठीक है। और ये सब टिक आउट करने के बाद जैसे मैंने ये सब टिक आउट करने के बाद एग्री पे क्लिक करना और फाइनल सबमिट कर देना, यस पे क्लिक करना। तो फिर ये मुझे एप्लीकेशन नंबर दे दिया है, देखो ये, ठीक है। तो इनको आपको नोट कर लेना है और कॉपी भी कर लेना है, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया और कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो ये फिर से बोलेगा कि अपना फॉर्म फिल करो पूरा, तो मैं फॉर्म फिल कर देता हूँ। हाय गाइस, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ये ऊपर तो नॉर्मल डिटेल है जैसे लाइक फादर्स मोबाइल नंबर, आप कैटेगरी वगैरह एंड आपके ब्लड ग्रुप, एनुअल इनकम। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है ये यहाँ पे, जो आपकी जो ब्रांच चूज करने का, ठीक है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, आपकी लाइफ यही बनाने वाला है, ठीक है। तो आपको इसी को ही चूज करना है बिल्कुल ठीक तरीके से। जस्ट लाइक जैसे बी ए होनर्स है, बी एस सी है, एल एल बी है, बी एफ ए है, बी वोक है, तो इसी को आपको बहुत बहुत ही ध्यान से चूज करना है। जैसे मैं बी टेक कर लेता हूँ, डेयरी टेक्नोलॉजी, तो मैं फूड टेक्नोलॉजी करता हूँ। ओके, तो मैंने फूड टेक्नोलॉजी चूज कर लिया। फिर जैसे लाइक स्टेट देखते हैं, अभी जस्ट आपको जो है ये चॉइस भी बिल्कुल ठीक तरीके से फिल करनी है। जैसे लाइक आपके जो प्रेफरेंस है, आपके आसपास लोकेशन, ठीक है। तो आपको एग्जाम सिटी बिल्कुल ठीक तरीके से चूज करने के बाद कैप्चा फिल करके फिर से सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने सबमिट पे क्लिक किया, फिर से अगला फॉर्म खुला और ये पूछ रहा है फिर से रिव्यू करो, तो मैं बोल देता हूँ कि भाई ये सब कुछ ठीक है। ओके गाइस, तो मैं फिर से एग्री करके फाइनल पे सबमिट कर देता हूँ। तो देखा जैसा कि मैंने यहाँ पे जैसे सबमिट किया, फिर से ये यस मांग रहा है, तो मैंने यस पे क्लिक किया, फिर से एप्लीकेशन फॉर्म चला, लाइन घूमी और ये फिर से बोलने लग गया कि जस्ट अब डॉक्यूमेंट अपलोड करिए आप, ठीक है। तो अब आपको आगे का प्रोसेस बता देते हैं। जैसे आपको दो चीज़ें मांग रहा है, सिर्फ फोटोग्राफ और सिग्नेचर, फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर। ओके गाइस, तो मैंने जस्ट लाइक ये दोनों अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ये फिर से अपलोड पर क्लिक करना है। ओके, तो जस्ट लाइक अभी मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह अवेलेबल नहीं है अपलोड करने के लिए, और ये केवल पर्पज के लिए था। मैं आई एम ऑलरेडी स्टूडेंट विद आईआईटी पटना ड्रॉप आउट, स्टूडेंट इन पंजाब स्टेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज पटियाला पंजाब। तो आज आपको जो इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहूँगा, जस्ट लाइक कोर्सेस चल रहे हैं, कंप्यूटर साइंस चल रहा है, एरोस्पेस चल रहा है, लेकिन जो बूम कोर्सेस हैं जस्ट लाइक वो है एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, सब भी और चारों ओर देख रहे हो, सिर्फ सब जगह अभी इसरो भी जा रहा है, नासा भी जा रहा है, सभी जा रहे हैं। ओके, तो आपको जस्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेना हो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि सभी का एडमिशन बीएचयू में हो जाए, जामिया में हो जाए। तो नीचे एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर जो भी टॉप काउंसलिंग कॉलेजेज है, गवर्नमेंट कॉलेजेज है, हम प्राइवेट का सपोर्ट नहीं करते, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर आपका हो सके तो पॉसिबल हो जाएगा एडमिशन, स्पेशली एरोनॉटिकल एरोस्पेस के अंदर। सो यू कैन सेंड मी मैसेज इन व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। एंड पंजाब स्टेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज द बाप कॉलेज ऑफ एरोस्पेस एंड एरोनॉटिकल। ओके।